हेलो बच्चों, ऑडिबल एंड विजिबल? होपफुली यस। ओके, ग्रेट। ठीक है, वेलकम टू द क्लास एवरीवन। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं, क्योंकि प्लांट किंगडम चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। प्लांट किंगडम में से काफी ज्यादा वेटेज है एंड काफी सारे क्वेश्चंस नीट में आते हैं। ठीक है, तो आज की पूरी क्लास में हम लोग ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, एंड ईच एंड एवरी ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड लाइक मेनी टाइम्स इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेज में रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि पैटर्न थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते, ऑप्शन सेम रहने देते। ठीक है, तो प्लांट किंगडम के अंदर हमें काफी सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे क्वेश्चन थोड़े से सही होंगे, है ना। मतलब हमारी को थोड़ी एक्यूरेसी थोड़ा आएगा सॉल्व करते समय। ठीक है, तो कौन कौन बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे? आई कैन सी सार्थक, पीजी एंटरटेनमेंट, रमन। ओके, आज की क्लास लेट इसलिए हुई बिकॉज मैं आज लैपटॉप पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बोर्ड पे नहीं करवा रही हूँ आज क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं और हम थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, विल दैट बी ओके? चलिए सारे स्टूडेंट्स फटाफट ज्वाइन कर जाइए जल्दी से। और आज आप लोगों को कोशिश ये भी करनी है कि जैसे ही क्वेश्चन देखते हो फटाफट से दिमाग में आंसर आना चाहिए। उससे ये बेनिफिट होगा तुम्हारा कि हम थोड़े से समय में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। कुछ 70 क्वेश्चंस के आसपास के टारगेट में आज लेके आई हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करें, प्रोसीड करें सेशन के साथ में। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, इसका क्या आंसर लगाएंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच आउट ऑफ दिस? यूलॉथ्रिक्स, मैनिटॉल, पोरफायरा, फ्लोरिडियन स्टार्च, वॉलवॉक्स स्टार्च, एक्टोकार्पस, फ्यूकोजांथिन। क्या क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे बताइए? इनकरेक्टली मैच्ड इनमें से कौन सा है? बेटा पोल का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, यूट्यूब पे है हम लोग इसीलिए, और मैंने मेंटी नहीं करवा रखा है अभी। ठीक है, पर अभी आप कमेंट्स में या लाइव चैट में आंसर करने की ट्राई करें। पोल का ऑप्शन भी अपन जल्द लेके आने की ट्राई करेंगे। ठीक है, आंसर लगा रहे बच्चे ए। हेलो हिमांशु, सो इट विल बी ए डेफिनेटली। यूलॉथ्रिक्स जो है इसमें मैनिटॉल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यूलॉथ्रिक्स तो ग्रीन एल्गे है ना, और ग्रीन एल्गे में स्टोर्ड फूड जो होता है वो क्या होता है? स्टार्च होता है। मैनिटॉल किस में होता है? ब्राउन एल्गे में होता है, इसीलिए ए रॉन्ग हो गया। ये चैप्टर याद नहीं है, प्लीज क्वेश्चन बताओ। हाँ, मैंने आप लोगों के लिए एक प्लानिंग करी है कि हम लोग एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के कुछ निमोनिक्स बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगले 1 से 2 दिन में वीडियो आपको मैं दे दूंगी अच्छा से बना के, जिसमें कि आपको सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएं जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्या ऐसा मैं आपके साथ कर सकती हूँ? सो दैट यू ऑल कैन बी हेल्प आउट ऑफ दैट। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे कंटेन्स मैनिटॉल एज अ रिजर्व फूड मटीरियल? एक्टोकार्पस, ग्रासिलेरिया, वॉलवॉक्स की यूलॉथ्रिक्स? क्या लगाएंगे बच्चे लोग जल्दी से बताइए, क्या आंसर लगाएंगे इस क्वेश्चन में? देखो मैनिटॉल रिजर्व्ड फूड मटेरियल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ऐसा क्वेश्चन किस में होना चाहिए। हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हैं, ये चारों ऑप्शंस कौन कौन से एल्गल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, अगर आपको ये मालूम होगा तो आपको रिजर्व फूड भी मालूम पड़ा होगा, और इसी के साथ में आपको ये भी जरूर मालूम पड़ गया होगा कि नीट वाले जो है वो रिजर्व्ड फूड इन एल्गे और एल्गे के डिफरेंस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जब मैंने प्लांट किंगडम आप लोगों को वन शॉट रिवीजन में पढ़ाया, उसका पार्ट वन में एक टेबल बना के दिया था मैंने आप लोगों को, एकदम परफेक्ट सा टेबल था जिसके अंदर हमने सारे डिफरेंस पॉइंट कवर कर लिए थे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा एक्टोकार्पस बच्चों, क्योंकि ग्रासिलेरिया रेड एल्गे है, वॉलवॉक्स हमारी ग्रीन एल्गे है, और यूलॉथ्रिक्स भी हमारी ग्रीन एल्गे है, लेकिन मैनिटॉल जो है और लैमिनेरिन जो है ये एक्टोकार्पस में पाया जाता है, जो कि ब्राउन एल्गे होती है। सो देयरफॉर द आंसर विल बी ब्राउन एल्गल एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को?
ठीक है, तो ब्राउन एल्गे इसका एग्जाम्पल जो है वो सही होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, थर्ड हो गया। अब थर्ड पे आ जाओ, गैमे किस में पाए जाते हैं? गैमे कप जो अपन बोलते हैं ना, वो किस में पाए जाते हैं? मॉसेस में, टेरिडोफाइटा में, कुछ जिम्नोस्पर्म में, कुछ लिवर वर्ड्स में। क्या आंसर लगाएंगे इस क्वेश्चन का हम लोग? व्हाट विल बी मार्किंग आंसर एज? सो गैमे कप्स जो होते हैं बेसिकली ये पाए जाते हैं। चलो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, देन ओनली आई विल बी आंसरिंग। बोलो बच्चों क्या लगाएंगे? सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा डी, कुछ लिवर वर्ड्स में पाए जाते हैं। गैमे आर प्रेजेंट इन सम ऑफ द लिवर वर्ड्स। थैलस के ऊपर गैमे बनते हैं, ठीक है। लिवर वर्ड का जो थैलस रहता है वो होता है एक हैप्लॉइड थैलस, ठीक है, और उसके ऊपर जो गैमे कप बनते हैं इसमें हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एसेक्सुअल स्पोर्स लिबरेट होके इंडिविजुअल लिवर वर्ड का नया प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर टेरिडोफाइट नहीं होगा, इट शुड बी लिवर वर्ड। समझ आया? हेलो आसिफ। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। सो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे प्रोड्यूसेस कैरोजीन? ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे या ब्लू ग्रीन एल्गे? क्या होगा इसका आंसर? यस, व्हाट विल बी मार्किंग एज कैरोजीन? कौन बनाता है पूछते हैं, तो ग्रीन एल्गे बनाता है, ब्राउन, रेड या ब्लू ग्रीन एल्गे? तो बच्चों कैरोजीन जो है ना, ये एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड है जिसको कि हम लोग टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए आइसक्रीम्स और कई सारे जेली लाइक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। एंड कैरोजीन जो है ये एक्चुअली में कुछ एक्सपेरिमेंट जब अपन करते हैं तो रैट्स एंड माउस में इंजेक्ट करके इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकते हैं कैरोजीन। तो कैरोजीन ग्रासेरेरिया और जेलिडियम का प्रोडक्ट है। यस, वेरी गुड, इट विल बी सी, रेड एल्गे से निकला हुआ है। बिल्कुल सही बात है भक्ति, ठीक है। तो कैरोजीन जो है ये रेड एल्गे से बना हुआ एक प्रोडक्ट है ऑफ इकोनॉमिक यूज, ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो सभी लोग, फाइको एरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन? फाइको एरिथ्रिन किस में मेजर पिगमेंट है? रेड एल्गे, ब्राउन ग्रीन, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, किस में है मेजर प्रोडक्ट? क्विकली आंसर कर देंगे सब लोग इसको। सो फाइको मतलब कि प्लांट बेस्ड, एरिथ्रो मतलब कि रेड, यहां पर ऑटोमेटिकली मालूम पड़ रहा है कि ये हमारे रेड एल्गे का पिगमेंट है, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी ए लगाएंगे सभी लोग? वी विल बी मार्किंग दिस आंसर एज ए, इजंट इट? फ्यूकोजांथिन बोलती तो ब्राउन एल्गे हो जाता है ना, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी बोलती तो किस में होता? तो ग्रीन या ब्राउन दोनों हो सकता था, ठीक है। एक में क्लोरोफिल ए, तो दोनों में तो होता ही है, क्लोरोफिल ए तो होता ही है कम से कम। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलर एल्गे? इनमें से कौन सा यूनिसेलर एल्गे है? चलो जल्दी से बता दो बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पूछ रहे हैं यूनिसेलर एल्गे कौन है? जेलिडियम ग्रासिलेरिया, एनाबेना वॉलवॉक्स, क्लोरिला स्पिरुलिना, लैमिनेरिया सर्गासम? क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग? नाउ दिस क्वेश्चंस आंसर शुड बी, एनीवन फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में। कुछ बच्चों के दिमाग में अचानक से बी ऑप्शन भी आ सकते हैं, एनाबेना एंड वॉलवॉक्स। एनाबेना यूनिसेलर इमेजिनेशन में आता है, लेकिन एनाबेना में ये ध्यान रखिएगा कि एनाबेना फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये बी नहीं होगा क्योंकि हमसे एल्गे पूछ रहे हैं और फिलामेंटस बैक्टीरिया को हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे एल्गल में, इजंट इट? सो इसीलिए इसका आंसर सी होगा, क्लोरेला एंड स्पायरुलिना। और मैं बता दूं क्लोरेला एंड स्पायरुलिना जो है ये बहुत अच्छे सुपर फूड भी काउंट होते हैं, ठीक है भक्ति। इसका आंसर बेटा सी है, बी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं सब लोग, सेवेंथ क्वेश्चन। बच्चे लैमिनेरिया और सार्गासम के लिए भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये एडिबल एल्गे फॉर्म होते हैं, ब्राउन एल्गे के ईटन अप एज फूड फॉर्म्स होते हैं, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। सेवेंथ, ज़ाइगोटिक मियोसिस किसका फीचर है इनमें से? मर्चेंटिया, फ्यूकस, फिनारिया, क्लेमाइडोमोनास? बताओ। सो मर्चेंटिया, फ्यूकस, फिनारिया एंड क्लेमाइडोमोनास, व्हाई नॉट डी? इसमें लैमिनेरिया एंड सार्गासम दे आर मल्टीसेलर,
ठीक है, ये मल्टी सेलर होता है, लैमिनेरिया भी और सर्गियासम भी। आप इसके डायग्राम देखोगे आपको मालूम पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा यू नो मल्टी सेलर स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल नहीं है। सेवन क्वेश्चन, जायगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टर है? मर्चांटिया, फ्यूकस, फिनारिया, क्लेमाइडोमोनस। डी पक्का श्योर है सब बच्चे? डी होगा। क्यों होगा डी? क्योंकि ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में देखा जाता है ना, और हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में ही जायगोट फॉर्म होता है और जायगोट मियोसिस अंडरगो करता है, ठीक है, और क्या बनाता है? चार हैप्लोइड सेल्स बनाता है, ठीक है ना, और ये चारों हैप्लोइड सेल्स इंडिविजुअल अलगे बन सकते हैं, इंडिविजुअल प्लांट बन सकते हैं, इंडिविजुअल अलगिल बन सकते हैं, अलगिल फॉर्म्स। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए है क्लेमाइडोमोनास डेफिनेटली, ठीक है। तो सेवेंथ क्वेश्चन तक हम लोग आ गए, अब एट्थ पे आ जाओ बच्चों। एट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है? एल्गे इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरनमेंट, एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गे एंड कैराजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गे, अगार अगार ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम ग्रैसिलेरिया, लैमिनारिन एंड सार्गासम आर यूज्ड एज फूड। ये थोड़ी देर पहले अपने डिस्कस किया था ना एक पॉइंट के, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करें सभी लोग। देखो वो पॉइंट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो अपने को देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है, और उसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी रहते हैं हर बार, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए है बी, क्योंकि एल्जिन इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गे, ठीक है, कैराजिन इंस्टेड इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गे, एंड एल्जिन जो है वो ब्राउन एल्गे से मिलेगा, क्योंकि ब्राउन एल्गे के सेल वॉल में सेल्यूलोज के अलावा एल्जिनेट की भी एक लेयर होती है ना, तो इसीलिए ब्राउन एल्गे से मिलना चाहिए हमें एल्जिन, ना कि रेड एल्गे से। क्या ये बात समझ आई है? चलो नाइन्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बाकी सारे पॉइंट सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस? एल्जिन एंड कैराजिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गे, अगार अगार ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम ग्रैसिलेरिया, क्लोरेला एंड स्पर्लिना यूज्ड एज स्पेस फूड, मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन द रोडोफाइसी। बेटा ये फूड पे वापस क्वेश्चन आ गया यार, देखो तुम्हारे को ये ध्यान रखना है कि एल्गे के फूड, एल्गे के एग्जाम्पल्स, एल्गे के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है, हर बार इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चन का आंसर कोई बच्चा लिख रहा है बी, ठीक है बेटा बी इसका आंसर नहीं होगा, इंस्टेड इसका आंसर है डी, मैनिटॉल इज नॉट अ स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, रोडोफाइसी मतलब कि रेड एल्गे, एंड मैनिटॉल इज अ रिजर्व फूड इन ब्राउन एल्गे। रोडोफाइसी में रिजर्व फूड क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, कौन होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। और एक बात पता है क्या, एक और क्वेश्चन आता है कि फ्लोरिडियन स्टार्च जो है ये किसके जैसा नजर आता है, तो ये हमें ग्लाइकोजन या अमाइलोपेक्टिन के जैसा नजर आता है, इसका स्ट्रक्चर भी उनकी तरह ही ब्रांच जो होता है, ब्रांच कार्बोहाइड्रेट है ये भी, ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन का पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च स्ट्रक्चर रिजेंबल्स टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन बिकॉज इट इज ऑल्सो ब्रांच कार्बोहाइड्रेट जस्ट लाइक ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। टेंथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, श्रेया कह रही है सी, सी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि क्लोरेला एंड स्पर्लिना क्योंकि सुपर फूड है, बहुत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बहुत एंटी एजिंग सब्सटेंसेस भी उसमें होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, इसके कारण से वो लोग स्पेस फूड के तौर पर प्रेफर करते हैं, ठीक है, मतलब जितने एस्ट्रोनॉट्स है वो भी खाते हैं। टेंथ क्वेश्चन पे आ गए, मेल गैमेट्स किस में फ्लेजिलेटेड होते हैं? पॉलीसाइफोनिया, एनाबेना, एक्टोकार्पस के स्पाइरोगैरा। बेटा ये एग्जाम भले कैंसिल हो गई थी पर ये क्वेश्चन जो है इतने बार रिपीट हो चुका है कि आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। चलो बताओ मेल गैमेट्स किस में फ्लेजिलेटेड होते हैं? बताइए एनीवन? सी बोल रहे हैं बच्चे, पॉलीसाइफोनिया, एनाबेना, एक्टोकार्पस, स्पाइरोगायरा, बोलो। देखो इसमें एलिमिनेशन से जाते हैं, स्पाइरोगायरा में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, क्यों होता है? एनाबेना में कंजुगेशन से होता है, एक्टोकार्पस इसका आंसर है, एक्टोकार्पस में मेल गैमेट्स फ्लेजिलेटेड होते हैं बेटा, ठीक है, एक्टोकार्पस में मेल गैमेट के साथ साथ में इंस्टेंट फीमेल गैमेट भी फ्लेजिलेट होते हैं, याद करो ये बात कि मेल एंड फीमेल दोनों ही फ्लेजिलेटेड गैमेट्स होते हैं एक्टोकार्पस में, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्लेजिलेटेड इन द केस ऑफ एक्टोकार्पस,
इलेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पॉलीसाइफोनिया के गैमेट जो है वो नॉन फ्लेजिलेटेड नॉन मोटाइल टाइप के होते हैं। टेंथ हो गया, इलेवेंथ, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आइसोगैमी शो करता है नॉन फ्लेजिलेटेड गैमेट्स के साथ में? सर्गियासम, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक, स्पाइरोगायरा, बताओ क्या होगा इसके क्वेश्चन का आंसर? इलेवेंथ क्वेश्चन का क्या आंसर लगाएंगे सब लोग? आइसोगैमी जानते हैं ना, जिसमें कि सेल जो होता है, गैमेट जो है, उसका शेप मेल एंड फीमेल गैमेट का बराबर बराबर, साइज बराबर बराबर, फ्लेजिला नहीं है, मतलब कि नॉन मोटाइल। कौन सा ऐसा है जिसमें कि नॉन मोटाइल गैमेट है, आइसोगैमस भी है, बताओ कौन सा क्वेश्चन है ये? इलेवेंथ है ना, लगा दो इसको। डी बोल रहा है मानोफर्ट्स, बिल्कुल सही बात है। तो स्पाइरोगायरा में मैंने जस्ट अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था जान करके बताने के लिए कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं, तो कोई बच्चे ने भी हाँ नहीं बोला, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, प्रेजेंट है, लेकिन ये होता है नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है, जिसका शेप एंड साइज बिल्कुल सेम है, और आना बना जो है इसमें नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। ओके, तो आप लोगों को अब नई बात याद रहेगी हमेशा ये। इलेवेंथ क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, अब ट्वेल्थ पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा? कारा पे पहले के जमाने में क्वेश्चन बहुत आते थे, जैसे कि 2014 तक, AIPMT तक, बहुत कारा का डायग्राम, कारा के स्ट्रक्चर, तो कारा पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। यस भक्ति, मैम यू आर नॉट रिप्लाइंग, बेटा आपके पास में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया मेरे पास, वाई नॉट डी आपने पूछा था, उसको मैंने समझा दिया था। इसके बाद में आपने अगर कोई कमेंट लिखा है तो इट इज नॉट विजिबल। देखिए, अपर ओगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ओगोनियम ग्लोब्यूल इज मेड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वॉट यू विल बी मार्किंग हियर एज द आंसर। नाउ कारा के बारे में हम लोगों को रॉन्ग बात बतानी है, कारा का डायग्राम इमेजिन होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो कारा का जो डायग्राम है उसमें अगर आपको उस डायग्राम आता है तो एंथ्रीडियम जो है वो नीचे है और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन मतलब कि ओगोनियम जो है वो ऊपर है उस डायग्राम में, सो इसलिए इसका आंसर सी होगा। तो आज जाने के बाद में आप लोग का एक टास्क है, असाइनमेंट है, कि आप लोग कारा का डायग्राम जरूर देख लेना एक बार, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, ठीक है बच्चों, कारा का डायग्राम एक बार स्टडी कर लेना, एग्जाम में आ सकता है, पहले बहुत अब था। चलो 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिलेक्ट करना है रॉन्ग स्टेटमेंट को हम यहां से, देखें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा बताओ। आइसोगैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, एंड आइसोगैमेट डिफर इधर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, मे बी डी कह रहा है, किस में, पहले वाले में? नहीं, इसका आंसर सिर्फ सी ही है। इन ओमाइसिटीज फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल व्हाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। क्लैमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी एंड फ्यूकस शोइंग ओगैमी, बताओ क्या होगा इसका आंसर? मैं एक बार रिफ्रेश कर रही हूँ तुम लोग के कमेंट्स, हो सकता है मुझे दिख नहीं रहो, बोलो। अब आप लोगों को इसमें एकदम से दिमाग में आना चाहिए आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी, आपको एकदम याद करो। ओगैमी जब भी अपन पढ़ते तो हम बोलते हैं ओगैमी में एक लार्ज फीमेल गैमेट है, ठीक है, और वो लार्ज फीमेल गैमेट जो है वो सिंगल होगा और नॉन मोटाइल होगा, और मेल गैमेट जो होंगे वो स्मॉलर इन साइज होंगे एंड दे विल बी हैविंग अ फ्लेजिला डेफिनेटली, और वो सबके सब मोटाइल होने वाले, याद करिए, ठीक है। तो ओमाइसिटीज में फीमेल गैमेट छोटा कैसे हो सकता है, वो तो बड़ा होगा ना साइज में, इसलिए सी एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया क्या बच्चों? हाँ जी, क्या सी एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया है? समझ आया ये बात? ओगैमी से ओमाइसिटीज को रिलेट करके सोचो तो ओगैमी में हमेशा ही फीमेल गैमेट बड़ा सा साइज का होता है और नॉन मोटाइल होता है। लार्ज एंड नॉन मोटाइल, और मेल गैमेट जो है ये कैसा होता है बताएंगे? ये होता है स्मॉल एंड मोटाइल, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ओगैमी। ओके मैम, हमारे ऐसे सारे रॉन्ग वाले लर्न हो जाएंगे, कोई राइट वाला भी एमसीक्यू दे दो, मतलब तेरे को सारे रॉन्ग हो रहे हैं ऐसा बोल रहे तू? ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
सॉरी मैम, आई एम स्टूडेंट ऑफ पीसीएम बट टू चेक माई हिट एंड ट्रायल बट आई लव ग्रेविटी सर्कल. अरे अरे क्या बात है, गुड. सो आई हैव जस्ट एंटर्ड क्लास 12th. सो सिंस यू आर अ पीसीएम स्टूडेंट, आई एम एबल टू गिव यू सम एडवाइस बिकॉज आई ऑल्सो हैड पीसीएम बी एज माई सब्जेक्ट. ठीक है भक्ति, सो ग्रेविटी सर्कल पे आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हालांकि अभी बिकॉज मैं मैथ्स नहीं पढ़ाती हूँ, सिर्फ बायोलॉजी ही करवा रही हूँ. ओके, सो केमिस्ट्री के लिए आप सर को फॉलो करिए. 14th, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस, इसमें से कौन से आइसोगैमस और नॉन फ्लेजिलेटेड गैमीट्स वाले हैं बताओ. आइसोगैमी भी पूछ रहे हैं और नॉन फ्लेजिलेटेड. बेटा एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है अपने पास में, आज याद करो. सिर्फ मॉडिफाइड लैंग्वेज है इसकी. सोचेंगे सब बच्चे फटाफट से. यस, सो दिस क्वेश्चंस आंसर शुड बी अगेन स्पायरोगायरा, जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले. नॉन फ्लेजिलेटेड आइसोगैमी कंडीशन हमें स्पायरोगायरा में देखने को मिलती है, तो आप लोगों को अब ये वाला पॉइंट तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो ही जाना चाहिए. ठीक है, 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. मोनोइशियस प्लांट ऑफ कारा शोज द अकरेंस ऑफ. ठीक है, यस, इसका आंसर बी था. यहां पर बताओ, मोनोइशियस प्लांट ऑफ कारा शोज द अकरेंस ऑफ. कारा के डायग्राम मैंने कहा ना, याद कर लेना, एक बार जाके देख लेना ढंग से. अब आप लोगों को इसके डायग्राम के ऊपर और भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं. ठीक है मैम, मैं बोल रहा हूँ रॉन्ग लाइन बतानी है सारे एमसीक्यू में. नहीं बेटा, ऐसा कहाँ बोला मैंने, इस वाले में. हाँ यस, तो इस वाले में तो रॉन्ग बतानी, ऐसे अधिकतर क्वेश्चंस में रॉन्ग ही बताने वाले आ रहे हैं ना, अपन क्या करेंगे, नीट के पीवाई क्यूज है क्योंकि. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चार्वी बोल रही है. अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रिडियम ऑन द सेम प्लांट, ये बिल्कुल सही बात है. ओगोनियम अपर साइड पे होता है, एंथ्रिडियम लोअर साइड पे होता है, मतलब कि फीमेल सेक्स ऑर्गन अपर साइड पे है, मेल सेक्स ऑर्गन लोअर साइड पे है, और दोनों सेम प्लांट पे है, बिल्कुल सही. 16th पे आ जाते हैं. कारा ग्रीन एल्गी होती है ना बच्चों. 16th पे आ जाते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, स्पायरोकायरा मोटाइल गैमीट, सर्गासम क्लोरोफिल, बेसिडियोमाइसेटिस पफबॉल, नॉस्टॉक वाटर ब्लूम. सेम टाइप का क्वेश्चन थर्ड टाइम, डिफरेंट फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन, सिमिलर पैटर्न. फटाफट से 16th क्वेश्चन का सब लोग आंसर कर दो. यस, सो इसका आंसर फिर से हो जाएगा हमारा स्पायरोगायरा. उसके पास में नॉन मोटाइल गैमीट्स होते हैं और आइसोगैमी होती है, मोटाइल गैमीट नहीं होते. ठीक है, सो 16th क्वेश्चन का आंसर भी ये हो जाएगा. सर्गासम क्योंकि ब्राउन एल्गी, उसमें क्लोरोफिल होगा कि नहीं होगा, होगा ही सही फ्यूकोजांथिन के अलावा. बेसिडियोमाइसेटिस में पफ बॉल आते हैं, ये फंगस का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया. और नॉस्टॉक एनाबेना वाटर ब्लूम कॉज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारा प्रोटेस्ट, ये हमारा मोनेरा में से आ गया. 17th क्वेश्चन, एल्गल सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है. सेलुलोज गैलेक्टिन मैनन, हेमीसेलुलोज पेक्टिन प्रोटीन, पेक्टिन सेलुलोज प्रोटीन, सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन. क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से बता दो बच्चों. सो ये वाले क्वेश्चन में हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए है एकदम से सेलुलोज गैलेक्टिन एंड मैनन. ठीक है, अगर पूछते प्लांट सेल में जनरलाइज्ड क्वेश्चन होता ये, तो हम बोलते सेलुलोज हेमीसेलुलोज और पेक्टिन. लेकिन अभी क्योंकि स्पेसिफिकली एल्गे के बारे में पूछ रहे हैं, तो एल्गे में गैलेक्टिन्स एंड मैनन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और कंपाउंड टाइप के पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये गैलेक्टिन्स एंड मैनन्स, एंड ये प्रेजेंट होते हैं एल्गल सेल वॉल में, जिसके कारण से एल्गे चिकनी भी होती थोड़ी सी. ठीक है, 18th क्वेश्चन, मैनिटॉल किसमें स्टोर्ड फूड की तरह पाया जाता है. कारा में, पोरफायरा में, फ्यूकस में, ग्रासिल एरिया में. मैनिटॉल ब्राउन एल्गे में होता है. ठीक है, यहां पर कौन सा ब्राउन एल्गे का एग्जाम्पल है. कारा, पोरफायरा, फ्यूकस, ग्रासिल एरिया. सो दिस क्वेश्चन्स आंसर शुड डेफिनेटली बी फ्यूकस, क्योंकि फ्यूकस होती है हमारी ब्राउन एल्गे. ठीक है, कारा होती है ग्रीन एल्गे, पोरफायरा रेड एल्गे, ग्रासिल एरिया भी रेड एल्गे होती है. तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी. क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को, यस और नो. ठीक है, वेरी गुड सूरज, करेक्ट आंसर दे रहा है तू. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब 19th क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, 19th क्वेश्चन पे आ जाओ. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है. फाइलोजेनी, फाइलोजेनी वर्ड पूछ रहे हैं, किसके ऊपर बेस्ड है बताओ. अगर तुम लोग देख रहे हो तो बोलोगे मैम एल्गे के कितने क्वेश्चन है.
एल्गे से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एल्गे प्लांट किंगडम में आप मान के चलिए कि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, हर साल एक ना क्वेश्चन तो बनता ही है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, फाइलोजेनेटिक, मतलब कि फाइलोजेनी वर्ड हमेशा ही इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ में रिलेट करता है ना, ठीक है। सो फाइलोजेनी मीनिंग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे अगर हम कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम देते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है बच्चों, समझ आया कि नहीं, येस और नो? ठीक है, सो इट शुड बी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते, 20th क्वेश्चन। इफ यू आर आस्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गे इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, कौन से कैरेक्टर आप चूज करेंगे? अगर आपको एल्गी को क्लासिफाई करने के लिए बोला डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई करने, तो आप वन कैरेक्टर चूज करेंगे अगर जिसके हिसाब से आप एल्गी को क्लासिफाई कर सकें, तो आप कौन सा चूज करेंगे? नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल, टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल। व्हाट यू विल बी मार्किंग हियर एज द आंसर, ये भी AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने वन शॉट प्लांट किंगडम का मेरे से नहीं पढ़ा है ना, तो आप लोग एक बार जाके जरूर पढ़ लेना। उसमें उसमें मैंने क्या किया है, एक टेबल बना के बहुत सिंप्लीफाई कर दी है ये सारी चीजें आप लोगों के लिए, प्लांट किंगडम का पार्ट वन। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल डी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स क्या रखते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रुडोफाइसी, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे। हालांकि इनमें से सारे बाकी भी इस्तेमाल हो सकते हैं, पर मेजर क्राइटेरिया क्या होगा, हमेशा ही कलर देख के हम डिसाइड करते हैं। 21, फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म किस पे बेस्ड होता है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, एंसेस्ट्रल लीनिएज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, डेंड्रोग्राम बेस्ड ऑन डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, फेनेटिक, फीनोटाइप, रिलेट करो इमेजिनेशन में अपने दिमाग में, जीनोटाइप, फीनोटाइप, फीनोटाइप क्या होता है? क्या इस क्वेश्चन का आंसर मॉर्फोलॉजी या बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेशन में होना चाहिए? अगर हाँ तो इसका क्या आंसर आप लोग लगाएंगे 21 क्वेश्चन का, जल्दी बताइए। 21 क्वेश्चन का हम लोग क्या आंसर लगा सकते हैं? दैट शुड डेफिनेटली बी ए, क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं अगर, सॉरी फेनेटिक क्लासिफिकेशन पूछ रहे हैं अगर, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, सो इट शुड बी ए। ठीक है बच्चों, फिनोटाइप, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स हमेशा ऑब्जर्वेबल होते हैं। 22, डाइवर्सिफिकेशन इन द प्लांट लाइफ अपियर्ड, प्लांट्स इतने डाइवर्सिफाई क्यों हो गए, कुछ छोटे प्लांट, कुछ बड़े प्लांट्स, कुछ बहुत बड़े ट्रीज, इसका क्या कारण है? ड्यू टू लॉन्ग पीरियोडिक इवोल्यूशनरी चेंज, लंबे समय तक उनमें कुछ कुछ बदलाव आता गया, ड्यू टू एब्रप्ट म्यूटेशन, एकदम से कुछ बदलाव आ गया, सडनली ऑन अर्थ, अर्थ पे कुछ अचानक से डाइवर्सिफाई हो गए प्लांट्स, या सीड अलग अलग डिस्पर्स हो गए इसलिए प्लांट डाइवर्सिफाई हो गए, क्या आंसर लगाएंगे अपन इस क्वेश्चन में? तो डाइवर्सिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो यही आंसर आता, इट शुड बी ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, वेरिएशन आते गए होंगे धीरे धीरे, अडेप्टेशन के कारण से प्लांट्स जो है डाइवर्सिफाई हुए। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 22 का ए, है ना, बहुत सिंपल है ये तो। 23 पे आ जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इज एन एडवांस्ड फीचर बिकॉज इट शोज, क्या मेरा कोई लेटेस्ट बैच है क्या, यू वांट टू जॉइन लेटेस्ट बैच फॉर विच क्लास यू आर आस्किंग, प्लीज स्पेसिफाई दैट। मैं अभी करंटली वन शॉट रिविजन सीरीज चला रही हूँ, ठीक है, आपको कौन से क्लास के लिए पढ़ना है ये बताना पड़ेगा। डिफरेंट साइजेस ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, सेम साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स, स्पायरोगायरा के बारे में बात हो रही है, एडवांस फीचर, इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा ये 2003 का है इसलिए बहुत एडवांस लेवल पे दिया हुआ है, आजकल इतने एडवांस क्वेश्चन आते ही नहीं है क्योंकि स्पायरोगायरा के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, तो स्पायरोगायरा में पहली बार एनाइसोगैमी देखी गई कभी एक समय पर पर्टिकुलरली, ऐसे तो अपन स्पायरोगायरा में आइसोगैमी बोलते हैं ना, तो आइसोगैमी कैसे बोलते हैं देखो, इसके दो बात करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली तो ये सेम दिखते हैं अपीयरेंस वाइज, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है, आइसोगैमस है, मॉर्फोलॉजिकली आइसोगैमस है, और आपको बताती हूं फिजियोलॉजिकली अनआइसोगैमस है, मतलब कि बिहेवियरली
इन दोनों में अंतर है। सो इसीलिए पहली बार एनाइसोगैमी देखने को मिली है फिजियोलॉजिकली हमारे स्पायरोगायरा में, लेकिन ये क्वेश्चन आज के जमाने में नहीं पूछा जाएगा। आपको जब भी पूछा है स्पायरोगायरा मॉर्फोलॉजिकली कैसा है तो आपको आइसोगैमस ही बताना है। अगर उन्होंने वर्ड फिजियोलॉजिकल इस्तेमाल किया है तो ही हमें एनाइसोगैमी बताना है। क्या ये वाली बात आप लोगों को क्लियर है? यस और नो? ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा हुआ 23। 24th पे आ जाते हैं। अ रिसर्च स्टूडेंट कलेक्टेड सर्टेन एल्गे एंड फाउंड दैट इट्स सेल कंटेन्ड बोथ क्लोरोफिल ए बी सी, क्लोरोफिल डी भी है लेकिन फाइकोएरिथ्रिन भी है, तो ये कौन सा एल्गे है? फाइकोएरिथ्रिन बोलते से ही अपन फटाफट से आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। सो व्हाट यू विल बी आंसरिंग हियर एज ए क्वेश्चन, क्वेश्चंस आंसर। बताओ। सो 24th क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि फाइकोएरिथ्रिन दे रखा है, क्या हम लोग रोडोफाइसी लगा देंगे रेड एल्गे क्विकली? हम फिर क्लोरोफिल ए बी सी से टेंशन में नहीं आने वाले, ठीक है? फाइकोएरिथ्रिन दिया है तो रोडोफाइसी हो जाएगा। 25 पे आ जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल्स ऑफ क्लेमाइडोमोनासिस, क्लेमाइडोमोनास के दो पूरे पूरे सोमैटिक सेल्स फ्यूज हो जा रहे हैं, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्लेमाइडोमोनास में, जहां पर उसके पूरे पूरे दोनों सेल्स सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन अचीव होता है, एंड इसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो होती है आइसोगैमी, नहीं क्योंकि गैमेट के फ्यूजन के बारे में बात नहीं हो रहा है, होमोगैमी भी नहीं होगा, सोमाटोगैमी, लेकिन बेस्ट टर्म यहाँ पर होना चाहिए है होलोगैमी। सो पूरे पूरे होल सेल्स का फ्यूजन होता है क्लेमाइडोमोनास में, इसीलिए टर्म इस्तेमाल होता है होलोगैमी। बच्चों क्या बोलते हैं? होलोगैमी। ये क्लेमाइडोमोनास में सोमैटिक सेल्स फ्यूज टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड एज होलोगैमी, ठीक है, जो कि देखा जाता है इन क्लेमाइडोमोनास। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 26। इनमें से कौन सा एक रॉन्ग मैच है, गलत कौन सा है? गैमा कप, मर्चांटिया, बाई फ्लेजिलेटेड जूस्पोर्स, ब्राउन अलगे, यूनी फ्लेजिलेटेड गेमीट्स, पॉलीसाइफोनिया, यूनी सेलर ऑर्गेनिज्म, क्लोरेला। 26th क्वेश्चन, क्या आंसर लगाएंगे बताइए? इस क्वेश्चन का हम लोग क्या आंसर लगाएंगे? यस, सो नाउ दिस क्वेश्चन आंसर शुड बी यूनी फ्लेजिलेटेड गेमीट्स, पॉलीसाइफोनिया में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? पॉलीसाइफोनिया डज नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ यूनी फ्लेजिलेटेड गेमीट्स। ओके, पॉलीसाइफोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गा, ठीक है। 27th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है? पीट एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग प्लांट्स, लिविंग प्लांट बेस्ड मटेरियल्स में हेल्प करता है। तो पीट फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या इसका आंसर होना चाहिए? सो पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्रायोफाइटा के मेंबर, जिसका नाम होता है स्फैग्नम, ठीक है? ऐसे देखा जाए तो ब्रायोफाइटा बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के नहीं होते, जितना कि हमारे एल्गे होते हैं, ठीक है, जितना कि हमारे टेरिडोफाइटा मेडिसिनल पर्पज में इस्तेमाल हो सकता है, ब्रायोफाइटा इतने इकोनॉमिकली वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन ब्रायोफाइटा से पीट मिलता है स्फैग्नम से, जो कि बहुत ज्यादा काम का है, ठीक है। 28th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलर फिलामेंटस, सॉरी मल्टी सेलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गे एंड प्रोटोनिमोफ मॉस, इन तीनों में एक कॉमन बात है। क्या कॉमन होगा इन तीनों में बताओ? इन तीनों में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है क्या? ये तीनों किंगडम प्लांटी के मेंबर्स हैं क्या? इन सब में सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या? मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, ऐसा कुछ है क्या बताइए? तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मॉसेस किस में आते हैं, हम मॉसेस को किस में पढ़ते हैं? हम एल्गी में पढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा में पढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा में पढ़ते हैं, जिम्नो में पढ़ते हैं, एंजियो में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं मॉसेस को बताओ जल्दी से, एवरीवन फटाफट से बता दीजिए। चलिए तब तक हम एलिमिनेशन पे जाते हैं।
पहली बात तो फंजाई प्लांट किंगडम का मेंबर नहीं होती कभी भी, तो मैं इसको एलिमिनेट कर देती हूँ फटाफट से, ये रॉन्ग हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगस का हमेशा हेटरोट्रॉफिक होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया सी। ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हमको मालूम है कि ए या डी में से कुछ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मल्टी सेलर फंजाई फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करती है, फिलामेंटस एल्गी भी फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करती है, इसलिए इसका आंसर डी होगा डेफिनेटली, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर डी ही होना चाहिए है, ओके ठीक है। डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल जो है ना आपकी, ये एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स शो करते हैं बच्चों, और मॉसेस तो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में नहीं आते ना, समझ आई बात, ब्रायोफाइटा में आते हैं। और हमारे ब्रायोफाइटा के मेंबर्स और टेरिडोफाइटा के मेंबर्स जो हैं ये क्या शो करते हैं, हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, इसलिए ए भी एलिमिनेट हो जाना चाहिए, क्लियर है। चलो 29 क्वेश्चन पे आते हैं, डायग्राम बेस्ड है। एक फिगर दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है, हमें आइडेंटिफाई करना है इसको करेक्टली, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखते हैं तो फटाफट से बताइए। यस, क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों? सो इस क्वेश्चन में हमें सबसे ऊपर ऊपर जो दिख रहा है दैट विल बी आर्किगोनियो 4, जो कि आर्किगोनियम को बियर करके बैठा है। बी हमारे पास में फीमेल थैलस है हैप्लॉइड नेचर का, सी गैमा कप्स है और डी राइजॉइड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये एक ब्रायोफाइटा का डायग्राम है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ए, इजंट इट, इट शुड बी ए और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, देखो 29 हो गया, 29 का बी है, बिल्कुल सही नहीं, ए होना चाहिए ना बेटा, बी कैसे होगा, बी में बर्ड दिखा है, बर्ड थोड़े ना है, तो गैमा कप है ना, तो गैमा कप जो है इट शुड बी कमिंग एज ए नॉट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, स्पोर डिसमिनेशन इन सम लिवर वर्ट्स इज एडेड बाय, स्पोर को डिसमिनेट करना मतलब दूर दूर तक लिबरेट करने में लिवर वर्ट्स में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है, इंड्यूसियम, कैलिप्ट्रा, पेरिस्टोम, टीथ, इलेटर। आज के जमाने में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला क्योंकि ये बहुत ही पुराना 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर की चीज पूछी अपने से। फिर भी ये क्वेश्चन बाय एनी चांस भी अगर आ गया तो आपको मालूम होना चाहिए, ये है इलेटर। बच्चों इलेटर क्या होते हैं, इलेटर जो है थिक होते हैं, स्पाइरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत इलोंगेटेड से होते हैं और ये सीड डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कैप्स्यूल ऑफ लिवरवर्ट में, ठीक है, और ये होते कैसे हैं, इलोंगेटेड होते हैं, स्पाइरल होते हैं और थिक होते हैं, एंड इसके अलावा ये सीड डिस्पर्जल में, सॉरी सीड वर्ड तो बोल नहीं सकते, स्पोर डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं, ठीक है क्या। चलिए तो ये हुआ हमारा 30th क्वेश्चन, 31 पे आ जाते हैं। इन द मॉस ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के मॉस में क्या बात है, मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट, क्या ये अपना खाना खुद भी बनाता है और गैमेटोफाइट स्टेज का भी बनाता है, या ये पार्शियली पैरासाइट होता है गैमेटोफाइट पे, या ये गैमेट बनाता है एंड राइस देता है गैमेटोफाइट को, या ये अराइज करता है स्पोर से जो कि गैमेटोफाइट ने बनाया। बेटा एलिमिनेशन यहाँ पर बेस्ट मोड है, 31st क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बताओ क्या लगाएंगे आप इसका आंसर सभी लोग। नाउ स्पोरोफाइट और बात हो रही है किसकी, हमारी मॉस की, ठीक है, सो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर उगता है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए, तो पार्शियली पैरासाइटिक है गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है। अच्छा एलिमिनेशन कैसे करेंगे, खुद का खाना खुद नहीं बनाता है, वो डिपेंडेंट स्टेजेस है, गैमेट स्पोरोफाइट कभी भी नहीं बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाता है, ठीक है, और गैमेटोफाइट जो है वो स्पोर नहीं बनाता, ठीक है, गैमेटोफाइट जो है वो बेसिकली गैमेट्स बनाते हैं, और अगर बनाता है तो वो गैमा कब बनाते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स। 32 मॉस पीट इज यूज एज अ पैकिंग मटीरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट टू डिस्टेंट प्लेसेस, बिकॉज मॉस पीट का इस्तेमाल करते हैं दूर दूर तक भेजने में, ये भी हमने बात की थी याद करो आप लोग, क्वेश्चन में 33 है ये, 32 मैम मेरे 7 अटेम्प्ट है, बाबा रे कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, अपने बेस्ट ट्राई कर रहे हो, इस बार ये तुम्हारा फाइनल सिलेक्टिंग अटेम्प्ट बन जाए, ठीक है।
मॉस पीट इज यूज एज अ पैकिंग मटेरियल पूछा है, तो मॉस पीट हमारा वो स्फैग्नम वाला ही है बेटा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए? सर्व्स एज डिसइंफेक्टेंट, इजिली अवेलेबल, हाइग्रोस्कोपिक, रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर हाइग्रोस्कोपिक है, क्योंकि ये वाटर को इम्बाइब करके रखता है और दूर दूर तक पानी को, मतलब जब कोई प्लांट जाते हैं, लिविंग प्लांट साथ में हम रखते हैं अगर पीट को, तो वो वाटर को रोक के रखता है, इसलिए दूर दूर तक डिस्टेंट सोर्सेस तक जब हमारे फ्लावर्स या लाइव प्लांट जाते हैं तो वो मरते नहीं है, ठीक है ना, मिट्टी में मिला देते हैं अपन पीट को थोड़ा सा ऐसा। 33 पे आ जाओ। द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ फ्यूनारिया आर, क्या होते हैं फ्यूनारिया के एंथ्रोजॉइड्स? मल्टी सीलेटेड होता है, मोनो सीलेटेड, ए सीलेटेड, बाई सीलेटेड। एंथ्रोजॉइड्स ऑफ फ्यूनारिया पूछ रहे हैं बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए है, ये भी AIPMT 99 में आए थे इसलिए इतना अभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, फिर भी एंथ्रोजॉइड्स ऑफ फ्यूनारिया बाई सीलिड होते हैं, दो सीलिया होते हैं इसमें, ठीक है, इट विल बी बाई सीलिड। चलो ये क्वेश्चन को हटा रही होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 33 पे आ जाते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी आ सकता है भले ही 99 में आया तो भी। डोमिनेंट फेज ऑफ गेमेटोफाइट विच प्रोड्यूस स्पोर्स, स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासाइटिक ऑन गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट विच इज पैरासाइटिक। क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर अपन लोग? 33 क्वेश्चन है हमारा ब्रायोफाइट में, डोमिनेंट फेज कौन से, गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट? तो बच्चों ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट फेज होती है स्पोरोफाइटिक और ये पैरासाइटिक होती है ऑन द गैमेटोफाइट, ठीक है, इसलिए इसका आंसर बिल्कुल डी होना चाहिए। वेरी गुड बेटा, बी नहीं होगा, स्मॉल स्पोरोफाइटिक फेज लिख रहा है और जनरली पैरासाइटिक ऑन गैमेटोफाइट, ऐसा नहीं है। ब्रायोफाइटा में ध्यान रखें आप लोग, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, ठीक है, और टेरिडोफाइट जो है ना इसमें अपनी गैमेटोफाइट डोमिनेंट होती है बेटा, डोमिनेंट स्टेज मतलब जो ज्यादा लंबे समय तक टिकेगी, हालांकि दोनों आती हैं इनमें, और क्योंकि ये दोनों हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल वाले हैं इसलिए इनमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों देखने को मिलेगी आपको, दोनों कुछ कुछ समय के लिए, ठीक है। 34th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इनमें से क्या बात सही है ब्रायोफाइटा के बारे में? 33 तो ये था, 34 ये था ऑलरेडी, और ये 35 है। चलो बताओ, थायलॉइड होते हैं, आर की गोनिया प्रोड्यूस करते हैं, एक मिनट, 33 हमारा बाई सीलेटेड था, 34 हमारा हमने क्या लगाया, ओह शिट, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुकना प्लीज है, मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने 34 में गलत कर दिया, एक बार सोचना चाहिए अपने को, मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि रॉन्ग है ना, एक से दोबारा से रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। ब्रायोफाइट कंप्राइज क्या करता है? ब्रायोफाइट में होता है एक्चुअली में डोमिनेंट गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही कह रहे तुम। किसने लगाया था इसका आंसर? बी सूरज ने लगवाया था, सूरज बेटा बी इसका आंसर होगा, सही बोल रहा है तू, ब्रायोफाइट में ही तो होता है हमारा डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट का, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा था, तो मुझे लगा कि हमने गलत करा यहाँ पर कुछ, ठीक है। और स्पोरोफाइट स्मॉल शॉर्ट लिव्ड होती है, स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है, एंड डिपेंडेंट भी होती है वो गैमेटोफाइट पे, ठीक है। फिर आती है हमारे पास में नेक्स्ट टेरिडोफाइटा, है ना, टेरिडोफाइटा में अपनी होनी चाहिए डोमिनेंट स्पोरोफाइट होता है इसमें, है ना बिचो, और शॉर्ट लिव्ड गैमेटोफाइट बनता है, और दोनों हैप्लोडिप्लोंटिक होते हैं,
ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कौन सा हो गया, 34th हो गया। अब हम 35 पे आ जाते हैं, देखते 35 क्या है। 35 क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से क्या बात सही है ब्रायोफाइटा के बारे में। तो बच्चे डी लगा चुके हैं इसको ऑलरेडी, बिल्कुल सही बोल रहे थे आप लोग, डी होगा इसका आंसर, वेरी गुड। ठीक है हाँ, बोथ इंडिपेंडेंट कौन से गैस बोल रहा है, स्पोरोफाइटा एंड गैमेटोफाइट इन द केस ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में बोथ आर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ तुम लोग, ब्रायोफाइटा में थैलॉइड भी होता है, आर्किकोनिया पजेस भी करते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज। क्या मैं अगर आपसे ये पूछती हूँ कि ब्रायोफाइटा के पास में रूट, स्टेम एंड लीफ वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, येस या नो में आंसर करें कमेंट सेक्शन में, क्या लगाएंगे, क्या इसमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीफ होते हैं। 36 क्वेश्चन पे आ गए बच्चों, वाटर इज एसेंशियल फॉर दी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, द स्पर्म्स कैन इजिली रीच अप टू दी एग्स इन दी आर्किगोनियम, ये क्या हुआ। ये भी होना चाहिए शायद से, नो नो कह रहे हैं उस क्वेश्चन में, ठीक है बिल्कुल उसमें नो होगा। स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें कभी भी हम वेल डेवलप्ड डिफरेंशिएशन नहीं बोल सकते। वेल डेवलप्ड डिफरेंशिएशन मतलब टेरिडोफाइटा से स्टार्ट होता है, बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, ब्रायोफाइटा डिपेंड करते हैं पानी पे, क्यों डिपेंड करते हैं पानी पे, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए द स्पर्म्स कैन इजिली रीच अप टू द आर्किगोनियम बाय स्विमिंग, है ना। सो ओरिजिनली इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे ऑप्शंस में, इसका होना चाहिए बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, द स्पर्म्स विल बी स्विमिंग इन दी वाटर। स्पर्म्स नहीं बोल के अपन मेल गैमेट भी बोल सकते हैं, फॉर रीचिंग द आर्किगोनियम, ठीक है। इसीलिए द आंसर शुड बी नॉट करेक्ट आंसर इज गिवन, नन ऑफ द करेक्ट आंसर इज गिवन। और बेटा ये होमोस्पोर नहीं होते हैं, ठीक है, साइक्लोस्पोर नहीं, इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए, आधा अधूरा स्टेटमेंट दिख रहा है। 37 पे आ जाओ, ब्रायोफाइटा कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द एल्गी, बिकॉज ब्रायोफाइटा को अपन एल्गी से सेपरेट कैसे कर सकते हैं, उसके पास आर्किगोनिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, थैलस फॉर्म करता है, कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता। हमें ब्रायोफाइटा को एल्गी से सेपरेट करना है, तुम लोग फटाफट से कर दोगे ये बात, तो बताओ क्या लगाएंगे सभी लोग, सोचो सोचो जल्दी जल्दी सोचो। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए है कि एल्गे जो है वो तो बहुत ही सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रखता है ना बेटा, ठीक है। देखो कंडक्टिंग टिश्यू दोनों में नहीं होते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं है, थैलॉइड दोनों में होते हैं तो दोनों कॉमन है, क्लोरोप्लास्ट दोनों में होता है, लेकिन आर्किगोनिया जो है वो सिर्फ ब्रायोफाइटा में होता है, ठीक है ना। और टेरिडोफ और हमारी एल्गे में नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट बोथ में होता है, थायलॉइड बोथ में होता है, कंडक्टिंग टिश्यू बोथ डोंट हैव, ठीक है ना। 38 क्वेश्चन पे आता है, स्ट्रोबिलाई या कोन जिनमें से किसमें पाए जाते हैं, स्ट्रोबिलाई या कोन पे आ गए अपन, टेरेस, मर्चांटिया, इक्विसिटम, साल्विनिया, बताइए स्ट्रोबिली या कोन्स किसमें पाए जाते हैं, इनमें से कौन से एग्जाम्पल में होते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कई बार क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। सो दिस आंसर विल बी इक्विसिटम, इक्विसिटम में होते हैं स्ट्रोबिली एंड कोन्स, ठीक है ना, वो भी लीफ के नीचे सब टेंडेड होते हैं बेटा, ऐसे करके जैसे ये लीफ है ना इनकी, तो इस लीफ के नीचे सब टेंडेड के, सब टेंडेड मतलब नीचे चिपके हुए होते हैं स्ट्रोबिली या कोन्स, इक्विसिटम में होते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। क्या आपने कभी कोई टेरिडोफाइटा देखा है, मैं जब तमिलनाडु में गई थी तो वहां पर मैंने बहुत सारे टेरिडोफाइटा रियल में देखे थे, और वहां पर उन लीव्स को देख के बड़ा आश्चर्य होता है, और सोचने में भी आता है कि प्लांट्स कैसे डाइवर्सिफाई हुए होंगे, प्लांट्स के अंदर भी कितने सारे चैलेंजेस आए होंगे, प्लांट के लीव के नीचे ये लोग स्पोर्ट्स बियर करते थे ताकि ये नीचे से गिर जाए, बाद में क्या हुआ फिर वो लीव के नीचे स्पोर्ट्स हट गए, इनफैक्ट स्टोमाटा बन गए प्रॉपरली, ताकि ट्रांसपिरेशन वगैरह जो है वो ज्यादा नहीं हो जाए प्लांट से, इनफैक्ट सिर्फ गैसेस एक्सचेंज फैसिलिटेट हो। बहुत अच्छा होता है प्लांट्स का भी एवोल्यूशन अगर अपन ध्यान से देखे तो। 39, इन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट विल बी रिक्वायरिंग व्हाट, इंसेक्ट, बर्ड, वाटर, विंड, क्या होना चाहिए इसका आंसर। यस व्हाट शुड बी द आंसर हियर, सो शुड बी डेफिनेटली गोइंग टू बी सी, है ना।
11th में बायो लैब में देखा था। अच्छा हाँ ओके, सो बायो लैब में तो बिल्कुल रखा ही होगा उन्होंने दिखाने के लिए तुम लोग को कैसा दिखता है। गुड ठीक है, सो दिस क्वेश्चन आंसर शुड बी वॉटर, क्योंकि ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा दोनों के अंदर मेल गैमेट को ट्रांसफर होने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। भले ही हमारे टेरिडोफाइटा टेरिस्ट्रियल भी हो गए ना, तो भी टेरिस्ट्रियल होने के बावजूद भी इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए। तो 40 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन द केस ऑफ, थैलस प्लांट बॉडी किस में होती है, स्पैगनम, सेल्विनिया, मर्चेंटिया, फ्यूनारिया। यस, थायलॉइड बेस्ड प्लांट बॉडी किसमें होती है? बोलो बोलो जल्दी से। इसमें से कौन सा हमारा वो है? अरे स्पैग्नम कैसे आएगा, स्पैग्नम नहीं है, इसका आंसर मर्चेंटिया। लिवर वर्ड कौन सा है इसमें से, देखो ध्यान से, इट शुड बी सी। ठीक है, एक लिवर वर्ड है ना ये, इसमें प्लांट बॉडी थायलॉइड होती है, स्फैग्नम नहीं आएगा। स्फैग्नम तो पीट होता है बेटा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, फ्यूनारिया और साल्विनिया भी नहीं है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, आर्किगोनियोफोर किस पे पाया जाता है, कारा, एडियंटम, फ्यूनारिया, आर्किगोनियम। देखो 41 पे आ गए, पता भी नहीं चला हमें, सिर्फ 70 क्वेश्चन करने, 30 और बाकी है। कारा, एडियंटम, फ्यूनारिया, मर्चेंटिया, 41, आर्किगोनियोफोर। अभी अपने डायग्राम भी देखा था, अगर आप लोग को ध्यान आ रहा हो तो, ब्रायोफाइटा का, ये देखो, ये दिख रहा है आपको आर्किगोनियोफोर, ये देखो है ना। सो क्या आंसर होगा इसका, ऑब्वियसली मर्चेंटिया होगा, क्योंकि मर्चेंटिया यहां पर एक लिवर वर्ट है और लिवर वर्ट में होता है हमारे पास में आर्किगोनियोफोर। ठीक है, याद आया। चलो तो 41 क्वेश्चन का आंसर हो गया मर्चेंटिया। 42 पे आ जाते हैं। 42 में जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं बच्चों, सिलाजिनेला एंड सेल्विनिया, ये दोनों भी कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। सिलाजिनेला सेल्विनिया भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है हमारे प्लांट किंगडम में, इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फिर हमारे जितने भी एल्गे के एग्जाम्पल्स है सारे इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो यूलोथ्रिक्स हो, कारा हो, फ्यूकस हो, लैमिनेरिया हो। ठीक है, इट शुड बी एनीथिंग, रेड एल्गे हो, ग्रासिलेरिया, जेलिडियम, सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे सेलेजिनेला एंड साल्विनिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आप लोग 42 क्वेश्चन का क्या आंसर करेंगे लगाइए। डी, क्या बात है। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि सिलाजिनेला और साल्विनिया आते किसमें है, सिलाजिनेला एंड साल्विनिया हमारे किसके अंदर आते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें की सीड फॉर्मेशन की प्रिकर्सर स्टेप हो गई थी। ठीक है, तो प्रिकर्सर स्टेप किसमें हुई होगी, टेरिडोफाइटा में हुई होगी। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं। एम्ब्रियो डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट में, जो कि रिटेन रहता है पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है ना बेटा, सो ये हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि सीड बनाने वाले से पहले आते हैं, प्रिकर्सर ऑफ सीड डेवलपमेंट, क्योंकि सीड डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा, नेकेड सीड्स, और उसके बाद में कवर्ड सीड्स हो जाते हैं हमारे पास में एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए है कोई भी ऑर्गेनिज्म टेरिडोफाइटा का, सिलाजिनेला साल्विनिया टेरिडोफाइटा में होते हैं, स्पोरोफाइट के अंदर ही एम्ब्रियो रिटेन रहता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। ठीक है, वेरी गुड। 43, द प्लांट बॉडी इज थायलॉइड इन द केस ऑफ, स्फैग्नम, साल्विनिया, मर्चेंटिया या फ्यूनारिया। सूरज, तूने टेरिडोफाइटा की स्पेलिंग में पी को साइलेंट है लेकिन काउंट नहीं किया, पी लगाना जरूरी है बेटा। ठीक है, टेरिडो प्रोनाउंसिएशन टी से बोलो चलेगा, पर स्पेलिंग में पी आना चाहिए। प्लांट बॉडी थैलस होती है किसके केस में, बताओ, तुम लोगों को आता है ये क्वेश्चन, हजार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, गलत मत लगाना। बताओ 43 का आंसर क्या लगाओगे, सी लगाओगे। ठीक है, अब
ये क्वेश्चन का आंसर वैसे तो साल्विनिया है, क्योंकि हमें पूरी प्लांट बॉडी थायलॉइड ऐसा बोलते तो साल्विनिया में होती है, लेकिन मर्चेंटिया में भी थायलॉइड स्टेज आती है। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन दिख रहा है, पर इसका आंसर साल्विनिया होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। 44 पे आ जाते हैं, आर्किगोनियो 4 किस में पाया जाता है? कारा, एडियंटम, फिनारिया, मर्चेंटिया। ये क्या हुआ, दो बार आ गया क्या, रिपीट होके? इसका आंसर मर्चेंटिया होना चाहिए ना बेटा, सेल्विनिया कैसे होगा? और हमने क्या किया, ये हम कुछ क्वेश्चंस रिपीट में क्यों लगा रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, अपन देखते हैं। ये हमारा 41 था, है ना, 40 हमारा हो गया है, मर्चेंटिया हमने लगा लिया था, आंसर सही है। कुछ मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में, रिपीट में क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, ठीक है। इन क्वेश्चंस को कट कर देते हैं, ठीक है। ये डबल बार आ गए क्योंकि, है ना, जो भी डबल बार आया उसे काट दे ताकि अपने को मालूम रहेगा अपन किधर मूव कर रहे हैं। 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया। अभी ये क्या है, ये रिपीट में आ गया था तो इसको कट कर दो पूरा। ये भी रिपीट में आ गया था, इसको भी पूरा कट कर दो। ये भी रिपीट में आ गया है, नहीं ये सही है। तो 42 क्वेश्चन हमारा ये था, अब हमारा 43 ये वाला होगा, ठीक है बेटा, है ना। चलो यहाँ से देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट? डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, हेटरोस्पोरी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। बताओ क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर अपन? सीड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए? डी कह रहा है, साइक्लोस्पोरिया ने डी बोल रहा है इसका आंसर। बाकी सब लोग क्या बोलते हैं? यस, व्हाट यू विल बी सेइंग आंसर एज बी, वेरी गुड। सो इसका आंसर डेफिनेटली बी ही होगा। सीड हैबिट या सीड रिस्पेक्टिव बात हम कर रहे हैं तो हेटरोस्पोरी, ठीक है। सो हेटरोस्पोरी जो है ये जरूरी है, तभी सीड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं हो सकता। बिल्कुल करेक्ट। और हम जानते हैं क्या कि हेटरोस्पोरी जो है हमारे जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिल रही है सिर्फ, है ना बच्चों? यस, सो इसका आंसर होगा बी, हेटरोस्पोरी। हेटरोस्पोरी में क्या, एक होगा बड़ा सा मेगास्पोर फीमेल गैमेट बनाएगा, एक होगा माइक्रोस्पोर मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है। 44 पे आ जाओ, इनमें से कौन सा हेटरोस्पोरस है? 44th क्वेश्चन पे आ गए, ड्रायोटेरिस, साल्विनिया, एडियंटम की इक्विसिटम। यस, सो चार्वी एंड कामाक्षी, सब बच्चे 44 क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे अब आप लोग। इनमें से कौन सा हेटरोस्पोरस है? देखो एलिमिनेशन से जाओ तुम लोग तो टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स को हटा दो। वेरी गुड, सेल्विनिया। तो सेल्विनिया आ जाएगा क्योंकि सेल्विनिया किसका एग्जाम्पल है? सेल्विनिया जिम्नोस्पर्म है क्या, है ना। बाकी हमारे ड्रायोटेरिस, टेरेस, इक्विसिटम, ये सब किस में आ जाते हैं? टेरिडोफाइटा में आ जाते हैं, इसलिए एलिमिनेशन से हो जाता। 45 पे आ जाते हैं, टेरिडोफाइटा डिफर करते हैं ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा से। टेरिडोफाइटा में ऐसा क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मोटाइल एंथ्रोजोइड्स होते हैं, आर्किगोनिया होता है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। 45 क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्या होता है इसमें ऐसा? टेरिडोफाइटा में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टेरिस्ट्रियल हो गए थे ये प्लांट्स, इसमें ऐसा क्या आ गया होगा बच्चों जो कि इसके पहले किसी में भी नहीं था? वेरी गुड, इसका आंसर होगा ए, वैस्क्यूलर टिश्यूज। वैस्क्यूलैरिटी जो है, प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कैन बी सीन इन टेरिडोफाइटा, ऑल द एग्जांपल्स। एंड हम इन फ्लावरिंग प्लांट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही थी, मैं वन शॉट रिविजन लूंगी ना उसका, उसमें तो आ जाना, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए वन शॉट रिविजन होगा उसका डे आफ्टर टुमारो, उसमें आप लोग आ जाइए, मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर दूंगी उसमें।
46 पे आ जाते हैं. द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक्स वैस्कुलर टिश्यूज एंड सीड्स. इसमें से ऐसे कौन सा प्लांट का ग्रुप है जो कि स्पोर तो बनाता है, एम्ब्रियो भी बनाता है, पर सीड नहीं बनाता और वैस्कुलरिटी भी लैक करता है? कौन होना चाहिए? देखो, वैस्कुलरिटी लैक करते हैं टेरिडोफाइट के, तो वैस्कुलरिटी होती है, इसलिए ये नहीं हो सकता है ना. और अब फियोफाइसी के पास में स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता, रोडोफाइसी स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता. ब्रायोफाइटा इसका आंसर होगा. एलिमिनेशन से जाके हम लोग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए है, ब्रायोफाइटा. ठीक है, 47 क्वेश्चन पे आ गए अपन. अब स्पर्म्स ऑफ बोथ फ्यूनारिया एंड टेरिस वर रिलीज टुगेदर नियर द आर्किगोनिया ऑफ टेरिस. ओनली इट्स स्पर्म एंटर द आर्किगोनिया. फ्यूनारिया के भी और टेरिस के भी स्पर्म्स को साथ में रिलीज करा गया था टेरिस के पास में, आर्किगोनिया के पास में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओनली इट्स स्पर्म एंटर्स इट आर्किगोनिया एज टेरिस. आर्किगोनिया रिपेल करेगा फिनारिया के स्पर्म को, फिनारिया का स्पर्म किल हो जाएगा टेरिस के स्पर्म के द्वारा. फिनारिया का स्पर्म लेस मोबाइल है, टेरिस आर्किगोनियम केमिकल रिलीज करता है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके स्पर्म्स को. क्या आंसर लगाएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का? क्या यहाँ पर स्पीशीज स्पेसिफिक कोई रिएक्शन देखने को मिलेगी कि नहीं? वेरी गुड. सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, क्योंकि टेरिस का आर्किगोनिया जो है वो केमिकल्स लिबरेट करेगा, टेरिस के ही स्पर्म्स को अट्रैक्ट करेगा, फ्यूनारिया के स्पर्म्स वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे. देयरफॉर द आंसर शुड बी डी. ये एक कीमोटेक्टाइल मूवमेंट का एग्जाम्पल हो गया क्या बच्चों? ये एक कीमोटैक्सिस का एग्जाम्पल हो गया. वेरी गुड, क्या बात है. 48 क्वेश्चन पे आ जाते हैं. जो बात मैंने लिखी है वही तूने लिखी है. साइक्लोस्पोरिन ए जनरल लाइक सिलाजेनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूसेस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, इसलिए ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोसोरस हेट्रोसोरस, होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस. क्या ही वाहियात क्वेश्चन आया है 2021 का. इतना इजी क्वेश्चन, ये तो कोई भी बच्चा आंसर कर देगा. क्या लगाओगे आप लोग इसमें? सिलाजेनेला एंड साल्विनिया जैसे प्लांट्स जो है वो दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, इन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो डी. डेफिनेटली ठीक है, इट शुड बी हेट्रोस्पोरस ऑफ कोर्स. अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 49 पे. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स के बारे में क्या बात गलत है? ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विद थिक क्यूटिकल, देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड. जिम्नोस्पर्म्स के बारे में क्या बात गलत है? ओके, बता दोगे आप लोग. फोर्टी नाइन नंबर है इसका. अरे कर्सर बताने कहाँ चले जाते हैं कभी कभी, एक सेकेंड. बी बोल रही है, चार वी बोल रही है, डी साइक्लोस्पोरिन ए बी, और सूरज कुशवा कह रहा है बी. इस क्वेश्चन का आंसर है बी. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स फ्री लिविंग नहीं होते हैं 49th क्वेश्चन में. जिम्नोस्पर्म्स के बारे में ये बात गलत है. ठीक है, हेट्रोस्पोरस होते हैं, बिल्कुल सही बात है. नैरो लीफ होती है थिक क्यूटिकल के साथ में. ये बात भी सही है. सीड्स कवर्ड नहीं होते हैं, ये बात भी सही है. नेकेड सीड्स होते हैं. मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते हैं. ये इनकी लाइफ साइकिल क्या है बताएंगे मुझे? इनकी लाइफ साइकिल है डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, है ना बेटा? डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल है. डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल में शॉर्ट लिव्ड गैमेटोफाइट बनते हैं जो कि फ्यू सेल या मल्टी सेलर होता है, और सून बनाता है स्पोरोफाइट. डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट स्टेज होती है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी. 50th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. फ्लोएम एंड जिम्नोस्पर्म क्या लैक करते हैं? जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सीव ट्यूब ओनली, कंपेनियन सेल ओनली, बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव्स. क्या लैक करता है पूछ रहे क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में. ध्यान से देखो 50वें क्वेश्चन का क्या आंसर लगाओगे तुम लोग.
जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या नहीं होता? सूरज कह रहा है बी, कंपेनियन सेल नहीं होता। बाकी सब बच्चे क्या बोलेंगे? कोई कह रहा है सी, सीव ट्यूब भी नहीं होता, कंपेनियन सेल भी नहीं होता। ठीक है, और एनीवन एल्स? इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ठीक है, सीव ट्यूब भी नहीं होता, कंपेनियन सेल भी नहीं होता है जिम्नोस्पर्म के पास में, एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। ठीक है, और दे विल नॉट बी शोइंग द प्रेजेंस ऑफ कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। ओके, 51 क्वेश्चन, इनमें से क्या स्टेटमेंट एक करेक्ट स्टेटमेंट है? हॉर्सटेल्स जिम्नोस्पर्म होते हैं, सिलाजिनेला हेटरोस्पोरस होता है, साल्विनिया होमोस्पोरस होता है, ओव्यूल्स एनक्लोज नहीं होते ओवरी की वॉल में जिम्नोस्पर्म के केस में, स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकल्स एंड जेट्रस। क्या इसका आंसर है? 51 क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, फटाफट ही लगा दोगे तुम लोग, करेक्ट बताना है अपने को। जिम्नोस्पर्म स्पर्म नहीं होते ना, हॉर्सटेल क्या होते बताओ? हॉर्सटेल्स इक्विसिटम, जिम्नोस्पर्म तो नहीं होते, सिलाजिनेला हेटरोस्पोरस है, सेल्विनिया भी हेटरोस्पोरस है, ओव्यूल्स एनक्लोज नहीं होते ओवरी में, ये बात बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 51 का आंसर होगा सी, क्योंकि यहां पर नेकेड सीड्स बनते हैं इसलिए। ठीक है, 52 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। इनमें से क्या मिसमैच्ड है? पाइनस साइकस सेल्विनिया इक्विसिटम के आगे लिखा हुआ है, पाइनस डायोशियस होता है, साइकस डायोशियस होता है, सेल्विनिया हेटरोस्पोरस होता है, इक्विसिटम होमोस्पोरस होता है। व्हाट विल बी मिसमैच्ड हियर? ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। इमेजिन करो तुम लोग, इमेजिन करो तुम्हें इसका आंसर आ सकता है दिमाग में, लेके आओगे सारी ऑप्शंस। तो देखो, सेल्विनिया हेटरोस्पोरस तो सही लिखा है, इक्विसिटम होमोस्पोरस भी सही लिखा है, वेरी गुड। पाइनस जो है उसमें मेल एंड फीमेल कोन सेम ही ऑर्गेनिज्म पे बनते हैं ना, तो मेल एंड फीमेल कोन्स प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट, ठीक है, इसके कारण से ये तो मोनोहाइब्रिड होना चाहिए। साइकस डायोशियस हो सकता है, होता है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाना चाहिए ए, 53। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अपने को इसमें से। सेल्विनिया, गिंको, पाइनस सब जिम्नोस्पर्म्स हैं। सेक्वोया लार्जेस्ट ट्रीज, टॉलेस्ट ट्रीज है, वन ऑफ दी लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स वेल अडेप्टेड नहीं है एक्सट्रीम एनवायरमेंट के लिए। जिम्नोस्पर्म्स होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों हो सकते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बताइए, 53 क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? एनसीईआरटी की भाषा में एकदम सेम टू सेम लाइन लिखी हुई है, एक तुम लोग बता दोगे तुम्हें आता है। बोलो बच्चा पार्टी, जाइंट रेड वुड, वेरी गुड। सेक्यूआ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज होता है, बिल्कुल सही बात है क्या? ठीक है, सेक्यूआ किस में आता है? जिम्नोस्पर्म है ये, है ना, 54 पे आता है। कौन सा इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है? आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, म्यूकर हैज बाइफ्लेजिलेट ज़ूस्पोर, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजैंथिन। बताइए मैम, यू आर सो हम्बल एंड डिजर्व सो मच लव, लव यू मैम एंड यू आर द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच अहमद फॉर ऑल द बेस्ट विशेज एंड अप्रेजिंग लाइन्स, थैंक यू। कीप वॉचिंग द लेक्चर्स एंड कीप यू नो ग्रोइंग विद अस। ओके, चलिए अब आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाएंगे। इसमें हमको एक इनकरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है क्वेश्चनर। बहुत बढ़िया, म्यूकर और राइजोपस किस में आते हैं बता दो तुम तो मुझे, म्यूकर और राइजोपस किस में आते हैं जल्दी बता दो क्वेश्चन में। 55 पे आते तब तक अपन। फिनारिया, ड्रायोटेरिस और गिंको में एक बात कॉमन है, क्या बात कॉमन होगी?
इन तीनों में आर की गोरियां है, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू है, इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट है, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है। 55 क्वेश्चन पे है हम लोग। 54 में मैंने पूछा आप लोगों से म्यूकर एंड राइजोपस किस में पाया जाता है, कोई भी नहीं बता रहा। यस फाइव बिल्कुल। ठीक है, म्यूकर एंड राइजोपस हमारे जो हैं दे विल बी कमिंग। यू लुक लाइक मिनी डोरेमोन। ओके समीर, 55 क्वेश्चन का आंसर लगाओ। फिनारिया ड्राइव टेरिस एंड गिंको, क्या आंसर लगाएंगे इसमें हम लोग? ए लगा देंगे ना, तीनों में आर्की कोरिया होता है क्योंकि, इसलिए। ठीक है, तीनों में ही आर्की कोरिया की प्रेजेंस देखने को मिलती है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। 56 क्वेश्चन पे आते हैं। साइकस एंड एडियांशियम रिजेंबल करते हैं ईच अदर को इन हैविंग व्हाट? सीड, मोटाइल स्पर्म, कैम्बियम वेसल्स। ओके, साइकस और एडियांशियम। क्या लगाएंगे? ए। इसका आंसर बी होना चाहिए। साइकस एंड एडियांशियम दोनों रिजेंबल करते हैं इच अदर को इन हैविंग मोटाइल स्पर्म्स। एबीएमटी स्क्रीनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 56 क्वेश्चन को एक बार तुम लोग सोचो, इसका आंसर की चेक करके एक बार देखेंगे। दो ऑप्शंस लग रहे हैं क्योंकि अपने बहुत सारे हो गए यार टेरिडोफाइटा के क्वेश्चन। मैम वायरेट दिस चैनल डिप अ लॉट, आई लव टू सी द चैनल ग्रो। इट्स ओके, फाइन, थिंग्स हैपन। This channel will be growing definitely, since anything which is consistent will be growing, isn't it Daksh? So we are being consistent, we are continuously trying and giving our best efforts, so we'll be growing someday. Bole to apna time aayega, isn't it? Chalo, to ups and downs sabhi ke saath lage reh sakte hain, par consistency maintain honi chahiye. Gravity circle koi bhi efforts nahi chhodta consistency maintain karne ke liye. सब जगह से कंसिस्टेंसी लगाने की ट्राई करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो अब है ना एक काम करते हैं, अपन थोड़े से अपन क्वेश्चंस अब लगा लेते हैं अपने एंजियोस्पर्म्स के। मैं देख रही हूँ जाके कहीं से मिल जाए अपने को अच्छे अच्छे से, क्योंकि क्या सीन है ना कि हमारे बहुत सारे ये क्वेश्चंस हो गए और एंजियोस्पर्म के क्वेश्चंस हमने अभी तक एक भी नहीं लगाए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ये, यहां से लगाते हैं एंजियोस्पर्म्स के। देखो, विच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स बट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर? कौन सा फ्लावरिंग प्लांट इनमें से ऐसा है जो कि सीड बनाता है पर फ्लावर नहीं होता उसके पास? मेज, मिंट, पीपल, पाइनस, बताइए क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का अपन आंसर? यस, सो इट शुड बी नंबर, अपन जाने दो, बहुत सारे क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं अपन ने, थोड़े से एंजियोस्पर्म के लगा के फिर क्लास एंड करेंगे, क्योंकि सभी के हो गए ना, ब्रायोफाइट तक के लगा दिए, एंजियोस्पर्म का एक भी नहीं हुआ। इसका आंसर होना चाहिए है पाइनस, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं ये सब के सब हमारे एंजियोस्पर्म्स के ऑप्शंस दिए हैं, और पाइनस जो है वो जिम्नोस्पर्म में बिलोंग करता है, इसलिए वो हो जाएगा। बच्चों जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का डिफरेंस हमें जरूर लगाना है, एक बार पूरा पढ़ के जाइएगा, इसमें डिफरेंस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। डी होगा इसका आंसर, टू नहीं होगा। प्लांट ग्रुप विथ लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट ट्री, लार्जेस्ट गेमीट। सबसे बड़ा ओव्यूल होगा, सबसे बड़ा पेड़ होगा, सबसे बड़े गेमीट होंगे, कौन है इनमें से? जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ब्रायोफाइटा है कि टेरिडोफाइटा? बताइए क्या लगाएंगे इसमें? यस, सो
द क्वेश्चन आंसर शुड बी डेफिनेटली एंजियोस्पर्म्स, है ना? ठीक है, तो इसमें थोड़े से और ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोग लगा लेना एक बार देख के अच्छे से। ऐसे भी ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाइनस ट्री मैंगो ट्री से डिफर कैसे करें। आप देख रहे हो डिफरेंस पे आ रहा है, पाइनस ट्री जिम्नोस्पर्म है, मैंगो ट्री एंजियोस्पर्म है। इसके डिफरेंस के ऊपर एक क्वेश्चन वापस से आ गया, ट्री हैबिट का अंतर है, ग्रीन लीफ का अंतर है, ओव्यूल एनक्लोज नहीं होता है ओवरी में, ये अंतर है कि वुड का अंतर है। यूकेलिप्टस टॉलेस्ट ट्री हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, एंजियोस्पर्म में, है ना? अब बताओ इसका क्या आंसर लगाएंगे हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इन द केस ऑफ पाइनस द नेकेड सीड्स आर प्रोड्यूस सिंस द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज इन द ओवरी, देयरफॉर इट शुड बी सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई थी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसका मैं आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी, एंड यू ऑल कैन चेक दैट पीडीएफ वंस एंड सॉल्व मोर क्वेश्चन इफ यू वॉन्ट टू। मैम टुमारो इज माई बायोलॉजी पेपर फॉर आरबीएसई बोर्ड, विश यू ऑल द बेस्ट दिवांशु, अच्छे से दे दे एग्जाम, फिर उसके बाद में नीट की तैयारी कर लेना चैनल पे हमारे साथ में वन शॉट रिविजन, एंड इसके साथ साथ में हम लोग पीवाईक्यू सीरीज भी चला रहे हैं। ओके चलिए, सो बाय दिस आई एम एंडिंग दिस क्लास, एंड जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस देखते हैं एक बार ही कमेंट में डाल दिया करो यार, सेशन अच्छा था नहीं था, ये वाला क्वेश्चन आया नहीं आया, नेक्स्ट क्लास कब होगी, कुछ तो लिखा करो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता रहे कि मेरे स्टूडेंट्स इंटरेक्टिव हैं भी नहीं है या नहीं है। ठीक है मैम, नेक्स्ट सेशन व्हेन? नेक्स्ट सेशन विल बी टुमारो 9 PM, सेम टाइमिंग विल बी कीपिंग, कल रात में 9 बजे। ओके, और कल रात में 9 बजे हम लोग लगाने वाले हैं एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस, नॉन कॉर्डेटा के, सिर्फ नॉन कॉर्डेटा के लगाएंगे कल, बहुत सारे क्योंकि नॉन कॉर्डेटा के क्वेश्चन इसलिए। ठीक है क्या? ओके चलिए, बाय एवरीबॉडी, अपने फ्रेंड्स के साथ में लिंक शेयर करिए जितना पॉसिबल है। इसी के साथ में मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए और बना रखा है जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा, कि हमारे पास में लास्ट 30 डेज बाकी है, तो हमारा क्या प्लान होना चाहिए नीट की प्रिपरेशन के लिए। इफ यू फील लाइक यू आर लैकिंग समवेयर इन प्रिपरेशन, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, वन शॉर्ट सेशन टुमारो मॉर्निंग 11 AM, कल सुबह 11 बजे होगा, एंड दैट वी विल बी कवरिंग अप कोर डेटा देयर। ओके बच्चों, ठीक है, बाय।